पर एक बार फिर से विकास गुप्ता को बिग बॉस के घर में टूटते हुए दिखा गया। पर विकास गुप्ता फर्स्ट टाइम बिग बॉस के घर में नहीं आए हैं, लेकिन इस बार जब वो आए हैं तो ऐसा लगता है कि एक टूटा हुआ इंसान आया है जो अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुबीना ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वेल, आपको बता दूं कि बिग बॉस के कई सीजन्स में आ चुके हैं विकास गुप्ता। सीजन 11 में एज कंटेस्टेंट फर्स्ट टाइम आए थे, फिर सीजन 12 में भी नजर आए, सीजन 13 में भी कुछ कुछ चीजों में नजर आए, और देन सीजन 14 में भी वो नजर आए। अब यहाँ पर जिस तरीके से विकास गुप्ता के साथ में हो रहा है बिग बॉस के घर में, पहले भी वो काफी परेशान कर रहे थे, उन्हें मास्टरमाइंड का टैग भी दिया गया था। इनफैक्ट जैसे कि अभिनव शुक्ला ने कहा कि मैं ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, मैं इन्हें जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि जहां पर मैं इन्हें जान सकूं कि आखिरकार इन्हें मास्टरमाइंड का टैग क्यों मिला है। पर आपको बता दूं कि देर रात, मैंने आपको पास्ट वीडियो में बताया है कि देर रात अर्शी खान ने काफी ज्यादा टीज किया था विकास गुप्ता को, जबकर वहां पे वो परेशान कर रही थी, लेकिन वो मस्ती में परेशान कर रही थी। खैर, लेकिन उसके बाद में विकास गुप्ता जो है वो काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं, और उस समय पर राखी सावंत, जैस्मिन, भसीन ये लोग जाके उनको संभालते हैं। लेकिन उसके अगले दिन की सुबह की ये बात है जहां पर रुबीना, दिलैक और जैस्मिन के सामने विकास गुप्ता फूट फूट कर रोते हुए नजर आए हैं, और ऐसा लगता है कि वो अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और पास्ट के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से, शायद नॉट कंफर्म, क्योंकि कई चीजें जो है वो म्यूट कर दी जाती है, तो कई चीजें जो है वो समझ में आती है और कई चीजें नहीं भी आती है। ऐसे में जितनी बातों के अंदाज से पता चल रहा है वो यही है कि हो सकता है कि ये जो कॉन्वर्सेशन हो वो पार्थ समथान को लेकर, प्रयाम शर्मा को लेकर और शिल्पा शिंदे को लेकर, इन तीनों को लेकर बातचीत हो रही है कि किस तरीके से प्रयाम शर्मा ने उनको डच किया है, या जो भी उनके साथ में चल रहा था, जो उनका रिलेशनशिप था, इन सभी चीजों को लेकर वो रुबीना और जैस्मिन को बताते हुए नजर आ रहे हैं। बता दूं आपको कि विकास गुप्ता ने अभी कुछ समय पहले ही, जब लॉकडाउन के समय पर, इवन आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ, उन्होंने खुलकर वो सामने आए थे और उन्होंने अपने बायसेक्सुअल होने की बात को एक्सेप्ट किया था और दुनिया के सामने जो है इस सच को बताया था, और जिसके बाद में उनको कई लोगों ने सपोर्ट भी किया, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से दीन दुनिया ने उनको अपने आप से अलग कर दिया है। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से वो अपना दिल जो है वो खोल कर रख रहे हैं, और इस बार वाला जो विकास गुप्ता है वो सच में अपने आप को बहुत ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या है आप लोगों की राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।